अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे आप सब। मैं भी ठीक हूँ आप सब की दुआओं की वजह से। वेलकम बैक टू अरीज की दुनिया। गुड मॉर्निंग। साथ में करने लगी हूँ अपना व्लॉग शुरू। ये था सुबह का टाइम और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं बनाऊँगी अपने लिए अंडा। आज मैं अंडा खाऊँगी नाश्ते में और उसके साथ एक कबाब लूँगी। तो जी, नाश्ता मेरा यहाँ पे बन चुका है। कबाब मैंने फ्राई कर दिए हैं लेकिन पता नहीं वो क्यों टूट गए हैं मुझसे आज। तो जी, नाश्ता मेरा बन चुका है। नाश्ते को मैं लेके आ गई थी लाउंज में, जहाँ पे मैं खा रही हूँ अपना नाश्ता। ये था शाम का टाइम। आज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मौसम अच्छा हो गया है, इस वजह से यहाँ पे मैं कर रही थी वॉक और बहुत ही ज़्यादा मुझे मौसम भी अच्छा लग रहा है। आप बताएं आपके पास मौसम कैसा जा रहा है। काइंडली जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं अभी, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी कमेंट्स करके बताएँ कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। यहाँ पे हमारे घर में एज यूजल न्यूज़ चल रही है क्योंकि मेरे भाई और अमीर डेली न्यूज़ ज़रूर देखते हैं। मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। आप बताइएगा कि आपके घर में कौन रोज़ न्यूज़ देखता है। तो जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, रात का टाइम हो गया था। मैं बना रही हूँ आज रात के खाने में बिरयानी। बहुत ही ज़्यादा मेरा दिल चाह रहा था कि मैं घर वालों को बिरयानी खिलाऊं, तो इस वजह से आज मैं बनाऊंगी डिनर में बिरयानी। मैं मैरिनेशन कर रही हूँ चिकन की। यहाँ पे मैंने दही ली है और दही में मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और लहसुन अदरक मैंने बहुत सादा डाला है ताकि अच्छी खुशबू आए बिरयानी में से।
चिकन यहाँ पे मैंने मैरिनेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं लेमन शामिल करें। चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं राइस ले रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है ये राइस। ये सेला राइस हैं, 2 कप मैंने लिए हैं। मैं पानी में भिगो के रख रही हूँ। यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ प्याज की। मैं अच्छी तरीके से कटिंग कर दूंगी। मसाला मुझे बिरयानी के लिए चाहिए, इस वजह से मैं पहले ही प्याज को काट रही हूँ। और साथ में मैं आलू की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे प्याज फ्राई हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे मैं शामिल करूंगी मैरिनेट जो मैंने चिकन करके रख दी थी, वो मैं ऐड करूंगी। यहाँ पे मैं टमाटर का पेस्ट बना रही हूँ ग्राइंडर में, क्योंकि मुझे टमाटर का पेस्ट बनाना है। बिरयानी में जल्दी टमाटर गल जाएंगे। चिकन में मैं शामिल कर रही हूँ, चिकन बिरयानी के मसाले में मैं शामिल कर रही हूँ टमाटर का पेस्ट। अच्छी तरीके से मैं टमाटर के पेस्ट को चलाऊंगी। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ आलू बुखारे 2 टेबल स्पून भर के। मैंने शान का बिरयानी मसाला भी ऐड किया है साथ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने राइस बॉईल करने के लिए रखती हैं बिरयानी के लिए। यहाँ पे मैंने पानी में ऐड किया था सिरका, क्योंकि इससे चावल बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बनेंगे। एक प्लेट में थोड़े से मैंने चावल निकाले हैं, उसमें मैंने फूड कलर ऐड कर दिया है गार्निशिंग के लिए। अब यहाँ पे मैं आपके सामने मटका बिरयानी बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने मटके को अच्छी तरीके से गर्म कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने राइस ऐड कर दिए हैं। राइस के बाद मैं शामिल करने लगी हूँ बिरयानी का सालन। देखिए कितना प्यारा मटका लग रहा है। और यहाँ पे मैं गार्निशिंग के लिए टमाटर भी मैंने स्लाइस में कटिंग करके रख दिए हैं, वो मैं ऐड कर रही हूँ मटके के ऊपर। और उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ जो तली हुई प्याज।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मटका बिरयानी रेडी है। अब मैं बिरयानी को दम पे लगा दूंगी, बाकी के बचे हुए चावल को भी मैं दम पे लगा दूंगी क्योंकि मटका बहुत ही ज़्यादा छोटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बिरयानी को मैंने दम पे लगा दिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मटका बिरयानी की फाइनल लुक, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार डिलीशियस बिरयानी बन चुकी है। यहाँ पे मैंने भाई से कहा था कि आप मुझे बिरयानी को सर्व करके दें, यहाँ पे भाई आ चुके हैं बिरयानी को सर्व करने क्योंकि मुझे बिरयानी की आपको फ़ाइनल लुक दिखानी है कि प्लेट में ये बिरयानी कैसी लगती है। मटका बिरयानी आप ज़रूर ये अपने घर में ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है आपको ये बिरयानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना यहाँ पे बन चुका है, खाने को मैं लेके जाऊँगी डाइनिंग टेबल पर। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा खाना बन चुका है। जब खाना अच्छा होता है तो मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है जब मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। दिखा रही हूँ बिरयानी के साथ मैंने बनाई है ग्रीन चटनी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी चटनी मैंने बनाई है। यहाँ पे मैं खा रही हूँ खाना और साथ में मैं टीवी पे देख रही हूँ दिल दुबारा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ड्रामा है, मुझे पसंद आता है तो मैं जब भी ये ड्रामा आता है तो टीवी पे ज़रूर शौक से देखती हूँ। बिरयानी खाने के बाद यहाँ पे मैं खाऊंगी आइसक्रीम क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बिरयानी के बाद आइसक्रीम खाऊं, तो आज मैं खाऊंगी इग्लू की आइसक्रीम। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है आपको इग्लू वालों का टेस्ट अच्छा लगेगा। अल्लाह पाक का शुक्र है दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गुजरा। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, आज की डेली रूटीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा।
मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।